अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लेसन 3 स्टार्ट किया था, तो वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज बाय हर्बर्ट ही हॉक्स। तो प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने उसका टेक्स्ट पढ़ा ब्रीफली, उसमें से कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग भी साथ साथ अंडरलाइन किए, उनको भी साथ साथ पढ़ा, उनके मीनिंग्स वगैरह भी पढ़े। और वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, लड़कों के कॉलेज में फेल होने के उस टेक्स्ट में हम लोगों ने रीजंस पढ़ी, जो कि आलमोस्ट 6 से 7 7 से 8 8 रीजंस थी। और साथ साथ आप लोगों को गाइड किया गया कि जहाँ से अब नई रीज़न स्टार्ट हो रही है, एक ये रीज़न है, ये रीज़न फर्दर। एक छोटा सा रिव्यू मैं यहाँ पे दोबारा आपको देना चाहूँगी कि राइटर ने कहा कि लड़कों के कॉलेज में फ़ेल होने की 2 वजूहात हैं। एक तो वो कोशिश नहीं करते, कुछ स्टूडेंट्स वो होते हैं, और दूसरे वो जो कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। वो कोशिश करने वाले वो हैं कि जो बुक्स को तो टाइम देते हैं, स्टडी के लिए टाइम तो निकालते हैं, लेकिन जब बैठते हैं स्टडी के लिए तो अपनी अटेंशन को दूसरे कामों में डाइवर्ट कर लेते हैं। जो राइटर ने टेक्स्ट में एग्जाम्पल दी वो ये थी कि लाइक पेंसिल शॉप्स करना वगैरह। नेक्स्ट जो रीज़न हम लोगों ने पढ़ी वो थी कि जो कुछ पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को फोर्सफुली किसी और फील्ड में भेज देते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो एक फेलियर का वजह बनती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं बच्चों के, जो कि उनको पूरी तौर पर वो फिट नहीं हो पा रहे होते, तो वो अटेंशन नहीं दे पाते स्टडीज़ पर, फिर कॉलेज को मजबूरन कहना पड़ता है कि वो बच्चे घर जाएँ। फिर हम लोगों ने पढ़ा कुछ फाइनेंशियल इशूज़ होते हैं, माली वसाइल जो बच्चों को फेस करना पड़ते हैं, तो वो उनके लिए बहुत इशू बनता है, तो वो अपनी कॉलेज स्टडीज़ को टाइम नहीं दे पाते, पैसा कमाने की तरफ उनकी टेंशन जो है वो मरकूज़ होती है, जिस वजह से ये भी एक प्रॉब्लम बनती है कॉलेज के फेलियर के बच्चों की। इस तरह हम लोगों ने काफ़ी एग्जांपल्स पढ़ी। और फिर एक और हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं वो क्या करते हैं, वो जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की जो अलग अलग सोसाइटीज़ होती है उनका मेंबर बनना पसंद करते हैं, जैसा कि लिटरेरी एक्टिविटीज़ और उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स है। लेकिन साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि स्पोर्ट्स की अहमियत जो है उसको हम लोग उससे इनकार नहीं कर सकते, अगर कोई इसमें इंटरेस्ट रखता है तो उसको मुकम्मल तौर पर क्या करना चाहिए, उसमें एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहिए। ठीक है, ये था ऑलमोस्ट टेक्स्ट। और एंड पर जो इसका लेसन था, एंड ये था कि वो उस कॉलेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉलेज के डीन यानी कि उसके सरबराह की है, अगर वो इन तमाम रीजंस के बावजूद किसी एक बच्चे को फेलियर से बचा लेता है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना तमाम काम पूरी ईमानदारी से सर अंजाम दिया है। ये था हमारा टेक्स्ट, इसमें हम लोगों ने इसको ब्रीफली पढ़ा, ये तो एक शॉर्ट समरी डिस्कशन थी, हम लोगों ने इसका ब्रीफली टेक्स्ट पढ़ा लास्ट 3 लेक्चर्स में से। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं और सबके पास मौजूद भी होंगे। और अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हम लोग इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है एक तो इसके सिनोनिम्स और दूसरा उसके क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये जो मैंने बुक के लास्ट पे जहाँ पे स्टोरी लेसन ख़त्म हुआ है वहाँ पे कुछ मुश्किल मीनिंग्स उन्होंने लिखे हुए हैं और वहाँ उनके आगे सिनोनिम्स भी लिखे, लेकिन उर्दू मीनिंग नहीं लिखे हुए। यहाँ पे मैं आपको उनके बारे में उनके कुछ उर्दू मीनिंग्स बताऊँगी उन तमाम वर्ड्स के, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। क्या है जी, सबसे पहला लफ्ज़ है गेट थ्रू। गेट थ्रू होता है पास या कामयाब होना, तो इसका सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, आगे लिखा पास लिखा हुआ है, सक्सीड भी हो सकता है, ठीक है, क्वालिफाई भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है नेटिव एबिलिटी, यानी कि नेटिव होता है पैदाइशी, एबिलिटी काबिलियत, तो इसको कह देंगे नेचुरल एबिलिटी। कंसंट्रेट असाइंड, कंसंट्रेट तवज्जो करना, असाइंड होता है सौंपा हुआ काम जो भी हमें मिला होता है, तो इसका क्या होगा, गिव फुल अटेंशन टू द गिवन वर्क। इरेडिकेट ख़त्म करना, छुटकारा हासिल करना, रूट आउट। टेक कॉलर सख्त तकाजा करना। जो सिनोनिम्स हैं वो आगे लिखे हुए हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ इन वर्ड्स का उर्दू मीनिंग बताती हूँ, ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, आप लोग इनके साथ साथ उर्दू मीनिंग भी याद करें। टेक कॉलर सख्त तकाजा करना, पॉइज फिजट,
ذہنی آسودگی از اضطراب میپڈ آؤٹ طے کیا ہوا یا فیصلہ شدہ رن کاؤنٹر ٹو خلاف برعکس جانا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ خلاصہ لبے لباب اوپننگ ابتدا ڈیٹیسٹ نفرت کرنا ون آؤٹ جیت جانا کنٹروورسی اختلاف اوفینڈ ناراض کرنا کین ناٹ برنگ ہم سیلف ٹو ٹرائی کوشش کرنے کے لیے تیار نہ ہونا الائیو ٹو تیار مستعد اپلیکیشن کوشش محنت توجہ فلوٹ تھرو کالج گزر جانا یا پار ہو جانا کیننیس دانش مندی پاسز اپ ضائع ہونا ریسپٹیو ذہین ایٹیٹیوڈ رویہ ایڈیکویٹ مناسب یا موضوع ہیلتھ سروس صحت کی سہولت اپیرنٹ ظاہری انلائٹمنٹ جانکاری یا نالج ہونا علم سبسٹیٹیوٹ متبادل ٹو برنگ اٹ ٹو بیئر طاقت وغیرہ استعمال کر کے ارن ہز وے ضروریات کے لیے کمانا مائٹی انتہا آگے ہے ڈٹرمنٹ نقصان دہ ٹرانسفیوژن آف بلڈ انتقال خون ہارٹ ٹرینڈنگ دل خراش انایویٹیبلی لازمی طور پر سی دیم تھرو مدد کرنا کھیڈز اور ٹرنڈ غرور یا گھمنڈی پریورٹیڈ بگڑ جانا آلودہ ہونا سائڈ شوز غیر متعلقہ سرگرمیاں پروفیشنل پیشہ ور کھلاڑی سویپٹ فار دیر فیٹ متاثر ہونا سی تھنگز ایٹ اے لانگ رینج بظاہر دور سے بلفر منہ پھٹ کاہل ڈرفٹ بھٹکتے پھرنا کولڈ ورلڈ ظالم دنیا برڈن آف پروف بار ثبوت سی اٹ ہول مجموعی طور پر ٹھیک ہے جی یہ تھے یہ تمام ایکسرسائز کے ورڈس اور اب آگے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کوسچن آنسر پہلے میں آپ لوگوں کی تمام کوسچنز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس میں کیا پوچھا گیا پھر فردر جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے پڑھیں گے اکارڈنگ ٹو دا آتھر دیر آر سم بوائز ہو فیل مصنف کے مطابق کچھ ایسے لڑکے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں دے ڈو ناٹ ٹرائی وہ کوشش نہیں کرتے ہو آر دے وہ کون ہیں کین وی ہیلپ دیم کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ لڑکے جو کوشش تو کرتے ہیں کوشش نہیں کرتے تو وہ کون ہے اور ہم لوگ اس کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں کوشچن نمبر ٹو ہاؤ ڈز اے مسٹیکن امبیشن آن دا پارٹ آف بوائز اینڈ دیئر پیرنٹس لیڈ ٹو دا فیلئر آف دا بوائز کس طرح لڑکوں اور ان کے والدین کی طرف سے غلطی پر مبنی خواہش لڑکوں کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے یہاں پہ وہ ریزن آئے گی کہ کس طرح جو ہے وہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو اپنی خواہش کے لیے کسی اور فیلڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ پھر ان کی فیلئر کا وجہ بنتی ہے دیر آر سم بوائز ہو ہیو کوشچن نمبر تھری دیر آر سم بوائز ہو ہیو ڈن ویل ایٹ اسکول بٹ فیل ٹو کالج کچھ ایسے لڑکے جو کہ ہو ہیو ڈن ویل ایٹ اسکول اسکول میں تو بہت عمدہ ہوتے ہیں بٹ فیل ٹو میک دیئر مارک ایٹ کالج لیکن کالج میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتے ہو آر دے وہ کون ہیں ڈو یو ہیو سچ بوائز ان کالج ان اور کنٹری کیا وہ کون سے لڑکے ہیں کیا آپ اپنے ملک کے کالجز میں ایسے لڑکے پاتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں جو کیا کرتے ہیں اسکول میں تو پاس ہو جاتے ہیں لیکن کالج میں بہت زیادہ فیل ہو جاتے ہیں کوشچن نمبر فور ہاؤ ڈز فائنینشیل پریشر لیڈ ٹو دا فیلئر آف اسٹوڈنٹ ڈسکرائبڈ ان دا لیسن جو فائنینشیل پریشر جو مالی وسائل ہیں وہ کس طرح ایک طالب علم کو ناکامی کی طرف لے کے جاتے ہیں ڈو یو ہیو سملر کیسز ان یور کنٹری کیا آپ کے ملک میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کوشچن نمبر فائیو ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈز دا کوشچن آف ہیلتھ لیڈ ٹو فیلئر ایٹ کالج صحت کا مسئلہ کس حد تک ناکامی کا سبب بنتا ہے ہاؤ فار کین دا کالج اتھارٹیز ود دیئر میڈیکل آفیسرز ہیلپ اسٹوڈنٹس ان سچ کیسز تو ہمارے جو میڈیکل آفیسر ہیں اور اتھارٹیز ان کی انتظامیہ ہے وہ کس طرح اس طرح کے طالب علموں کی مدد کر سکتی ہے کوشچن نمبر سکس وٹ پلیس وڈ یو اکر ٹو اسپورٹس مین ان کالج کھلاڑیوں کا کالج میں آپ کون سا مقام دیں گے کوشچن نمبر سیون دیر آر سم اسٹوڈنٹ ہو جوائن کالج فار دا فن آف اٹ
बहुत से ऐसे तालिब इलम हैं जो कि कॉलेज को या शामिल होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ क्या करने के लिए, फ़न के लिए, तफरी के लिए। शुड दे बी अलाउड टू स्टे, क्या उन्हें इजाज़त दी जानी चाहिए कि वो यहाँ पर स्टे कर सकें। और अब आगे इस तरह इनके आंसर्स के लिए जो एज़ इट इज़ आप लोग याद करेंगे वो आप लोगों की एक सर्टन बुक बताई गई है, अदरवाइज़ हम लोगों ने यहाँ पे तो डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसके क्वेश्चन को तैयार करने के लिए एक बुक है सनशाइन आप लोगों को जो साइन की गई है उससे आप लोग तैयार कर लें, या कोई और अगर हेल्पिंग बुक आपके के पास है तो उससे इन क्वेश्चन का बिल्कुल एज इट इज़ जैसा जो पूछा गया है वो बता दें, जैसा कि इस बुक में है। क्वेश्चन नंबर 1, आप इसका आंसर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर देर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, हु आर दे, कैन वी हेल्प दैम। मुसन्नफ़ के मुताबिक कुछ लड़के फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करते, वो कौन है, हम उनकी मदद किस तरह कर सकते हैं। द बॉय हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन, द बॉयज़ हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन, लड़के जो कोशिश नहीं करते इम्तहान को पास करने की, आर दोज हु सफ़र फ्राम सम नर्वस हैबिट, वो कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ असाबी बीमारी में मुबतला है। दे कैन नॉट सिट एट द डेस्क टू वर्क, वो डेस्क पर या मेज़ पर काम करने के लिए ही नहीं बैठते। दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़, वो अपने वक्त को ज़ाया करते हैं बेकार सरगर्मियों में। वी कैन नॉट गिव दैम एनी हेल्प एक्सेप्ट टू टेल दैम द रियल प्रॉब्लम, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते सिवाय उनको ये बताने के या उनकी उसके मसले की निशानदाही करने के। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज अ मिस्टेकन एंबिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉय एंड द पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉय, किस तरह लड़कों और उनके वालदैन की तरफ से गलती पर मुबनी ख्वाहिश लड़कों को नाकामी की तरफ ले जाती है। द मिस्टेकन एंबिशन इज़ द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स, जो गलती पर मुबनी ख्वाहिश का इज़ द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स, वालदैन की गलती। दे फोर्स देयर सन, वो अपने बेटे को मजबूर करते हैं टू स्टडी दो सब्जेक्ट, उन मजामीन को पढ़ने की फॉर विच ही हैज़ नो टेस्ट, जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट जोक नहीं है। एज अ रिजल्ट ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन सच अ कोर्स ऑफ स्टडीज एंड देन फेल्स, और फिर नतीजतन वो क्या करता है, ऐसे तमाम सरगर्मियों में दिलचस्पी नहीं लेता और फिर फेल हो जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 3, देर आर सम बॉयज हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, कुछ ऐसे बच्चे जो कि स्कूल में तो पास हो जाते हैं लेकिन कॉलेज में कोई कारनामा सर अंजाम देने से नहीं दे पाते और नाकाम हो जाते हैं। हु आर दे, वो कौन है। डू यू हैव सच बॉयज़ इन कॉलेज इन योर कंट्री, क्या आपके मुल्क, क्या आप अपने मुल्क के कॉलेज में ऐसे लड़के पाते हैं। सम टैलेंटेड बॉयज़ पास द स्कूल एग्जामिनेशन विदाउट एनी हार्डवर्क, कुछ जो होते हैं वो ज़हीन तालिब इलम वो स्कूल का इम्तहान पास कर लेते हैं विदाउट एनी हार्डवर्क, किसी भी मेहनत के बगैर। दे थिंक दे दैट दे वुड पास द कॉलेज एग्जामिनेशन इन दिस वे, वो सोचते हैं कि वो इसी तरह जो है वो कॉलेज का इम्तहान को भी पास कर लेंगे। सो दे डू नॉट वर्क हार्ड, तो वो कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते। एज अ रिजल्ट दे फेल, तो नतीजे में वो क्या होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। सम सच बॉयज़ कुड बी फाउंड इन द कॉलेज फॉर एवरी कंट्री, इस तरह के जो लड़के हैं वो हर मुल्क में पाए जाते हैं। और इज़ नो एक्सेप्शन, और हमारा मुल्क इससे मुस्तस्ना नहीं है। हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट डिस्क्राइब इन द लेसन, जो स्टोरी में किस तरह माली दबाव जो है तालिब इलम पर डिस्क्राइब बयान किया गया है। डू यू हैव सिमिलर केसेज इन योर कंट्री, क्या आपके मुल्क में इस तरह की मिसालें मिलती हैं। सम पुअर पेरेंट आस्क देयर सन्स, कुछ जो कहते हैं गरीब वालदैन वो अपने बेटे से कहते हैं टू अर्न अ पार्ट ऑफ द कॉलेज एक्सपेंसिस, कि वो अपने कॉलेज अखराजात का एक हिस्सा कमाएँ। सो द स्टूडेंट हैव टू अर्न टू मीट देर एक्सपेंसिस, तो तालिब इलम को अपने खराजात पूरे करने के लिए कमाना पड़ता है। एंड मच ऑफ देयर टाइम इज़ वेस्टेड इन दिस वे, और उनका बहुत ज़्यादा जो वक्त है वो इस तरह में, इस तरह के कामों में इस तरह गुजर जाता है। सच स्टूडेंट कुड बी फाउंड इन कंट्री, और इस तरह के स्टूडेंट तालिब इलम हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू वट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू द फेलियर, मसला किस हद तक कॉलेज की नाकामी का, सेहत का मसला किस हद तक कॉलेज में नाकामी का सबब बनता है। हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज़ विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट इन सच केसेस, और किस तरह हमारी जो इंतज़ामिया है एंड देयर मेडिकल ऑफिसर्स, और उनके मेडिकल के जो ऑफिसर हैं हेल्प स्टूडेंट को मदद करते हैं इन सच केसेस, इस तरह के मामलों में। द स्टूडेंट सफरिंग फ्राम बैड हेल्थ, तालिब इलम जो कि बुरी हालत सेहत में मुबतला है,
कैन नॉट पे ही टू देयर स्टडीज, अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे पाते, एज अ रिजल्ट दे फिर तो नतीजे में वो फेल हो जाते हैं। द कॉलेज अथॉरिटीज एंड द कॉलेज डॉक्टर शुड हेल्प सच स्टूडेंट, जो कॉलेज की इंतजामिया है और उसके डॉक्टर है, शुड हेल्प, को चाहिए कि वो ऐसे तालब इलमों की मदद करें। देर शुड बी क्लोज और कॉपरेशन, उनको चाहिए कि वो उनके साथ बाहमी तावन करें, बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द कॉलेज डॉक्टर इन दिस रिगार्ड। तो क्या है, टीचिंग स्टाफ जो पढ़ाने वाला अबला है वो एंड द कॉलेज डॉक्टर, कॉलेज के डॉक्टर को इस मसले में उनका ऐसे तालब इलमों के साथ करीबी तावन करें। क्वेश्चन नंबर 6, वट प्लेस वुड यू अकर टू स्पोर्ट्स मैन इन कॉलेज, खिलाड़ियों का कॉलेज में आप कौन सा मुकाम देते हैं, कौन सी जगह देते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ अ कॉलेज इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन, जो कॉलेज का जो अहम मकसद है वो क्या है, तालीम। बट द कॉलेज शुड नॉट इग्नोर स्पोर्ट्स, लेकिन जो कॉलेज का है वो तालीम खेलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इफ़ गेम्स आर ब्लॉकिंग द वे ऑफ एजुकेशन, अगर जो है गेम्स खेले तालीम में रुकावट बन रखी हो, दे शुड बी बैंड, तो उनको पाबंदी लगा देनी चाहिए। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन गेम, अगर एक तालिब इलम खेलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, ही शुड बी आस्क्ड टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर, तो उसे पेशावर खिलाड़ी बनने को कहा जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, देर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, कुछ तालिब इलम तफरी के लिए कॉलेज में दाखिला लेते हैं, शुड दे बी अलाउड टू स्टे, क्या उन्हें इजाज़त देनी चाहिए वहाँ रहने की या वहाँ रुकने की। अ कॉलेज इज़ मीट फॉर स्टडी, कॉलेज का बुनियादी मकसद है पढ़ाई। इफ़ अ स्टूडेंट जॉइन द कॉलेज फॉर फन और फॉर सम अदर पर्पज, अगर कोई तालिब इलम कॉलेज को जॉइन कॉलेज में दाखिल होता है सिर्फ और सिर्फ तफरी के लिए और फॉर सम अदर पर्पज और कुछ दूसरे मकसद के लिए, ही शुड बी आस्क्ड टू मेंड हिज वे, तो उसे अपना रवैया तब्दील करने के लिए कहा जाना चाहिए। एंड इफ़ ही डज़ नॉट लीव हिज यूजलेस एक्टिविटीज़, और अगर वो अपनी ये बेकार यूजलेस एक्टिविटी सरगर्मियों को नहीं छोड़ता, ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन द कॉलेज, तो उसे कॉलेज में रहने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जैसा कि स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन पढ़े, पहले उसका देखा गया कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फिर उसका आंसर्स भी पढ़े गए, और ये बिल्कुल हमें पता चल रहा है कि ये वो बिल्कुल एज इट इज़ वही जो है चीज़ें हैं, या वही रीजंस हैं, वो क्वेश्चन में भी डिस्कस किए और बाद में उसका कुछ सोल्यूशन भी पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, क्योंकि सारा टेक्स्ट हम लोगों ने थॉरली पढ़ चुके हैं, उसके मुश्किल मीनिंग्स पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं, फिर उसके आंसर्स को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो दिस इज़ ऑल, तो ये हमारा अब थर्ड लेसन ख़त्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम लोग कमिंग लेक्चर में क्या करेंगे, लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, एंड ऑफ टर्म, तो फिर उसको पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल।